Hello everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for success. आज का जो हमारा सेशन है ये है काउंटिंग फिगर्स पे और दिस इज पार्ट वन. पार्ट वन में हम लोग कुछ फिगर्स के शॉर्ट ट्रिक्स को डील करेंगे. आपको पता होगा SSC के एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे स्टेट लेवल एग्जाम हुआ, रेलवे हुआ या फिर UPSC एग्जाम की बात करें, सभी एग्जाम्स में आपको काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस को करने के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है और उतने ही ज्यादा टाइम की जरूरत होती है. इसलिए अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाए इस तरीके के क्वेश्चंस का तो उससे बेहतर क्या होगा. तो आइए चलते हैं सीधे हम अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ और एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है. सबसे पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें स्क्वायर्स को काउंट करना चाहिए. आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है. इस स्क्वायर बॉक्स में जो कट्स लगाए गए हैं आप देखें तो वर्टिकल लाइंस कुछ ड्रॉ की गई हैं और आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी देख सकते हैं ये ड्रॉ की गई हैं. इन लाइंस को देखकर छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स में इसको डिवाइड किया गया है लाइन को ड्रॉ करके, और फिर हमें इसको काउंट करना है छोटे स्क्वायर्स के अलावा कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, छोटे उससे बड़े कितने स्क्वायर्स बनेंगे. उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग की बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला स्क्वायर आप देख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. तो ये हो गए छोटे स्क्वायर्स और विजुलाइज करके देखने में ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा. इसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक को भी डील करेंगे. आप देखते हैं थोड़े से बड़े स्क्वायर्स की बात करें तो ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, उसके बाद हम देखें तो ये, फिर उसके बाद ये और ये. तो नाइन पहले था और फोर, ये काउंट हो गया तो 13 स्क्वायर हो गया. और अब बात करेंगे सबसे बड़े स्क्वायर बॉक्स की, ये आपको दिख रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर दिख रहे हैं हमें वो कितने दिख रहे हैं, 14 दिख रहे हैं. तो यहां पे जो हमारा आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का, दैट इज 14. इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के मीडियम से माध्यम से हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं. सेम क्वेश्चंस आप क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बॉक्स वही है जो आपको हमने अभी क्वेश्चन में दिखाया था जिसमें हमने नॉर्मल काउंटिंग करी थी. इस स्क्वायर बॉक्स को अगर आप देखें तो उसमें हमने कहा था कि सभी को सिंगल सिंगल चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं. अदरवाइज इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो वर्टिकल लाइंस आपको वर्टिकल लाइंस जो आपको दिख रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने ब्लॉक्स बने हुए उनको काउंट कर लीजिए. जैसे देखिए सबसे पहले हमने कहा 1, उसके बाद ये 2 एंड देन दिस वन 3. तो आप देखें कि 1, 2, 3 नंबर को हमने लिख लिया और फिर हम इस तरीके से नीचे की तरफ नंबर्स को लिखेंगे. 1 हो गया, फिर 2 एंड देन आप देख सकते हैं 3. आप देखें तो 1 जो है ये कॉमन है दोनों में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन में, दोनों ब्लॉक्स में कॉमन है. अब उसके बाद हमारा अगला जो काम है वो क्या है कि जो आपको लास्ट में नंबर दिख रहा है 3, आप देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है या फिर आप बात करें रो की तो इसमें आपको दिख रहा है 3. इस 3 को हमने वहां पे रख लिया, फिर 2 इसको भी हमने रख लिया, फिर 1. ओके, अब बात करेंगे इस 1, 2, 3 की. इस 1, 2, 3 के साथ हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को हमें लेना है और इसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. फिर हम बात करेंगे इस 2 को, इस 2 को हमें इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और जो आखिर में हमें 1 दिख रहा है इस 1 को फिर से हमें यहां पे मल्टीप्लाई कर देना. अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि इस 3 को आखिरी के 3 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया इस 2 से, और इस 1 में चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो 1 को दो बार हमने मल्टीप्लाई किया, 1 × 1. ओके, अब हमें क्या करना है, सबके सम को जोड़ देना है, मल्टीप्लीकेशन को जोड़ देना है. जैसे 1 × 1 1 हुआ, 2 × 2 4 हो गया, एंड 3 × 3 9 हो गया. तो 9 + 4 + 1 अगर हम इसको सम करें तो टोटल बनेगा कितना, 14 बनेगा. जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा था, हमने जब नॉर्मल काउंटिंग करी थी तो वहां पे 14 मिला था, यहां पे भी हमारा कितना बन रहा है, 14 बन रहा है. उम्मीद करते हैं आपको ये विजुअल मीडियम के माध्यम से, ये विजुअल मीडियम में ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आ रही है, ट्रिक समझ में आ गया. नहीं समझ में आया तो वापस आप वीडियो में जाके इसको वापस देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको अटेम्प्ट किया. अब आगे बढ़ेंगे. इसमें तो हमने देखा कि जो आपको वर्टिकल लाइन पे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, और इसी तरीके से देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक, ब्लॉक्स की संख्या सिमिलर है. तो यहां पे जब सिमिलर है तब तक तो ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे. अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें अगर यहां पे, तो आपको दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ब्लॉक्स की संख्या है 1, 2 एंड 3 एंड देन 4, और वर्टिकल लाइन पे अगर हम ब्लॉक्स देखें तो 1, 2 एंड 3 ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं. अब इसको पहले तो हम काउंट कर लेते हैं. आप देखिए काउंटिंग में सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये 12 तो हमें दिख रहे हैं छोटे जो स्मॉल स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं. अब इसके अलावा हम इसकी काउंटिंग करते हैं दूसरे तरीके से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको. आप देखें तो यहां पे दिख रहा है, इस जगह पे देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन दिस वन इज 18 हो गया.
अब देखिए 19 और टोटल हमारे स्क्वायर बॉक्स की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। अब इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने के लिए हमने देखा कि अगर हम नॉर्मल इसकी काउंटिंग करें स्क्वायर बॉक्स की, तो हमें टोटल स्क्वायर बॉक्स कितने दिख रहे हैं, 20 स्क्वायर बॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे, सेम जो मेथड अभी हमने आप पिछले क्वेश्चन में किया था कुछ वैसा ही हमें करना है। यहां पर फिर से हमें नंबर्स को लिख लेना है 1, 2, 3 एंड देन 4, फिर आप देखें वर्टिकली 2, 3 इस जगह पर हमने रख लिया, इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें वही काम करना है, यहां पे बस ये देखने को मिल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर्स हैं वो नंबर्स डिफरेंट है, यहां पे 4 है और जो वर्टिकल लाइन के नंबर है वो कितने हैं, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम जिस तरीके से हमने किया था 4 को आप रख लीजिए, फिर 3 जिसमें ज्यादा हो उसको रख लीजिएगा, 2 हमने यहां पे 2 को रख लिया और फिर हम 1 को यहां पे रख लेंगे। अब देखेंगे जो ये 3 है इस 3 को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है, फिर इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 के साथ, ओके। और फाइनली जो 1 बचता है उसके लिए कोई हमें पेयर नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब बाकी सारे नंबर्स को हमें ऐड करना होगा, उनके रिजल्टेंट को ऐड करना होगा। अब आप देखिए 2 + 1 2 हो गया, सॉरी 2 × 2 2 एंड 2 × 3 6 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो टोटल नंबर कितना बन रहा है, 20 बना। आप देखिए 2 6 8 हो गया एंड दिस वन आखिरी में आपको दिख रहा है 12, तो इन सबको हमने ऐड किया तो कितना हो गया, टोटल बना हमारा 20। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्क्वायर्स को हमें कैसे काउंट करना है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे रेक्टेंगल्स को हमें कैसे काउंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है या रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं, इन रेक्टेंगल्स को हमें काउंट करना है। तो पहले नॉर्मल काउंटिंग कर लेते हैं, अगर नॉर्मल काउंटिंग करें तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर अब देखिएगा यहां पे 16, 17, 18। आपको पता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल के साइड्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ये हुआ कि फ्रंट के साइड्स वो सिमिलर होते हैं और जो बाकी होते हैं साइड्स, जो फ्रंट के साइड होते हैं 2 सिमिलर और ये 2 सिमिलर, जरूरी नहीं चारों आपस में सिमिलर। स्क्वायर बॉक्स में क्या होता है कि सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे ये तो हमारा तरीका रहा इसमें काउंट करने का। आप देखेंगे बड़े बड़े रेक्टेंगल को हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे इस तरीके से, और ये रहा उससे बड़े रेक्टेंगल की बात करें तो यहां पे दिख रहा है हमें, और ये सब एक उससे बड़ा रेक्टेंगल, ये देखिए, ओके। और फिर हम बात करें तो अगला रेक्टेंगल हमें यहां पे दिख रहा है, फिर उसके बाद ये 1, 2 एंड 3 ये दिखा, फिर आप देखिए 2 को मिला के बनेगा ये और इन दोनों को मिला के ये बनेगा, ओके। और फिर आप सबसे बड़े लेवल पे एक और रेक्टेंगल आपके सामने, तो टोटल रेक्टेंगल्स की जो संख्या है हमारे पास आपको दिख रही होगी 36 है। अगर आप इन सभी नंबर्स को काउंट करें तो टोटल रेक्टेंगल जो बन रहे हैं वो 36 बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं, ये आपके पास सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिर से वही काम, आपको इन नंबर्स को लिख लेना है 1, 2 एंड देन 3, फिर इधर भी नंबर्स को हमें लिख लेना है। पहले अब इन नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है 1, 2 और 3, इनको ऐड करने के बाद कितना बन रहा है रिजल्टेंट, आप देख सकते हैं इस जगह पे रिजल्टेंट जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, ओके। अब देखिए इधर जो नंबर्स रखे जाएंगे उनको भी हमें ऐड करना है, यहां पे 1 कॉमन हो जाएगा और देन 2 और फिर आप देख सकते हैं इस जगह पे 3, इन तीनों नंबर्स को भी हमें ऐड कर देंगे और यहां पे क्या बना, 6। अब जब ये 6 बन गया तो हमें क्या करना है, इस 6 को यहां ले जाके इस जगह पे, और ये जो 6 दिख रहा है इस 6 के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 × 6 करेंगे। हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर्स हमने ब्लॉक्स की संख्या लिए 1, 2 एंड देन 3, इनको ऐड कर लिया बना कितना, 6। अगर यहां पे 4 होता है तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, ओके। अब यहां पे देखते हैं 1, 2, 3, इनको भी हमने सम अप कर लिया, ऐड कर लिया और यहां पे बना कितना, 6। और इन दोनों नंबर्स को जो हमने ऐड किया है, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर कितना मिला, 36। तो अभी हमने देखा था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनना था वो कितना बनना था, 36। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ओके। तो अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, कितना भी बड़ा स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर आपको रेक्टेंगल काउंट करने का क्वेश्चन मिलेगा, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इस मैथड से। ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं और कैसे कुछ कॉम्प्लेक्स काउंटिंग, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसको विजुअल मीडियम से, जिस तरीके से हमने आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है वैसे ही हम उसको भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और पसंद आया तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जरा सा भी डाउट है तो उस वीडियो को वापस आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। फिगर काउंटिंग में पार्ट टू में हम लोग मिलेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।